तो दोस्तों मैंने फिलिप्स का हैंड ब्लेंडर ऑर्डर किया था जिसका कि मॉडल नंबर है HL1655 जो कि आज मुझे फाइनली डिलीवर्ड हो गया है। इसे मैंने 1 वीक पहले ऑर्डर किया था अमेजन से, आज जाके ये फाइनली मुझे डिलीवर्ड हो गया है। 1 वीक लग गया इसको डिलीवरी में, अभी जो डिलीवरी हो रही है थोड़ी लेट हो रही है वरना इतने दिन नहीं लगते। तो चलो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और रिव्यू करता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है, आप लोगों को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो मैंने हैंड ब्लेंडर ऑर्डर किया था वो कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है। पैकिंग तो अच्छी है बट ये थोड़ा लगता है मुझे कि बारिश के कारण ये पैकिंग थोड़ा भींग गया है जिसके कारण ये किनारे से फट चुका है। तो चलो इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इसके अंदर मेरा हैंड ब्लेंडर कैसा दिख रहा है। तो इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। एक्चुअली ये देखो इधर से भीग चुका है ये पूरा, तो इसलिए इधर से ये फट गया। तो चलो मैं इसे इधर से ही खोलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों फाइनली मैंने कार्टून को खोल लिया है। कार्टून खोलने के बाद मुझे ये अंदर में हैंड ब्लेंडर मिला जो कि काफ़ी खूबसूरत पैकिंग के साथ में आया है और ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहा है। बट इसका जो वेट है मुझे थोड़ा हेवी लग रहा है, ये हेवी वेट है थोड़ा। आई थिंक ये 1 से 2 kg के बीच में होगा अप्रॉक्सीमेट, मैं जो फील कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं इसे अनबॉक्स करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता है और इसे मैं लाइव टेस्ट भी करूँगा कि ये यूज़ करने में कैसा है और इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन होगी मैं आपको अभी इस वीडियो मैं सारा बताऊंगा। तो चलो पहले फटाफट इसे खोल लेते हैं और अंदर से देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों मैंने बॉक्स से इसे निकाल लिया है। बॉक्स से निकालने के बाद ये देखो कुछ फिलिप्स का जो ये हैंड ब्लेंडर है कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बॉडी है। ये देखो ये पूरा स्टेनलेस स्टील है, ये इसका यहाँ पे कटर है जिससे कि हम लोग ब्लेंड करेंगे और ये इसका ऊपर का पोर्शन है जो कि काफ़ी मजबूत लग रहा है। ये प्लास्टिक का है बट ये काफ़ी मजबूत है और ये स्टेनलेस स्टील है ताकि अगर हम लोग ब्लेंड करेंगे तो इसमें हॉट और कोल्ड कोई भी ब्लेंड कर सकते हो। और इसमें जो हॉट और कोल्ड ब्लेंड करने से इसमें कोरोजन भी नहीं होगा क्योंकि जो नॉर्मल ब्लेंडर आते हैं ना उसमें ये जो नीचे का पोर्शन होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें हॉट ब्लेंड करने में दिक्कत होती है, कोई कोई गलने का भी खतरा रहता है, अदरवाइज़ वो कोरोजन से रस्ट लग जाते हैं तो जिसके कारण वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है। बट ये पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे इसका ब्लेड है। ये तो ये 250 वॉट का हैंड ब्लेंडर है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में आपको यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाते हैं जो कि हम लोग इसे पढ़ेंगे तो इसे समझ में आ जाएगा कि इसके फीचर्स क्या क्या है। तो आप लोग चाहो तो इसे पढ़ सकते हो बट मैं अभी चलो मैं इसे देखता हूँ कि और इसके साथ क्या क्या मिला है। तो ये देखो दोस्तों कि ये इसका बेसिकली स्टैंड है, ये हैंड ब्लेंडर का स्टैंड दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। और ये इसके साथ कुछ कटर दिए गए जो कि आप वाइपिंग और विस्किंग करोगे तो उसमें हेल्प होगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे क्रीम वगैरह को हम लोग वाइप करते हैं तो उस समय ये सब कटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कॉफ़ी मेकिंग करोगे तो उसमें भी आप ये कटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे लगता है, ये जो अभी ये जो इसका मेन कटर ये है इसे मैं अभी रिमूव करूँगा। तो उसके बाद ये कटर को जब मैं फिक्स करूँगा तो मैं इस पर वाइप कर सकता हूँ। तो जैसे मैं क्रीम वाइप करता हूँ या फिर कॉफ़ी मेकिंग में इसे काम किया जाता है तो ये कटर बेसिकली उसी के लिए दिया गया। ये देखो बेसिकली ये कटर ओपन करने के लिए है, यहाँ पर जो आपका मेन कटर है तो मेन कटर को आप यहाँ से इस तरह करके, ये देखो मैं इसे यहाँ से ऐसे करके निकाल सकता हूँ। ये देखो ये यहाँ से कटर निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई भी कटर चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ऐसे लगा दिया तो देखो ये कटर इस पर यहाँ पे ऐसे मैंने प्रेस किया, ये फिक्स हो गया। और इन फ्यूचर अगर आप फिर निकालना चाहते हो तो फिर इसको ऐसे करके प्रेस करो, ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप इसमें मेन कटर को लगा दो। ध्यान रहे कि उसका जो यहाँ पर होल है उस होल में परफेक्ट सेट करना चाहिए। देखो
ये फिक्स कर दिया। तो दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। ये है फिलिप्स का हैंड ब्लेंडर मॉडल नंबर HL1655 जो कि आता है 250 वॉट के पावरफुल मोटर के साथ में, और इसमें आप टफ इंग्रेडिएंट को भी इजीली ब्लेंड कर सकते हो। और दोस्तों मैं पावर सप्लाई की बात करूँ तो ये चलता है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के पावर सप्लाई पे एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एट आवर इंडियन स्टैंडर्ड। और दोस्तों इसकी केबल की लेंथ है 1.2 मीटर लॉन्ग, और इसमें आपको मिलता है 3 ब्लेड जिससे कि एक ब्लेड आप वाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप क्रीम वगैरह वाइप कर रहे हो तो आप इसमें से एक ब्लेड यूज़ कर सकते हो, और दूसरा ब्लेड है जो विस्किंग पर्पज़ के लिए अगर आप कॉफ़ी वगैरह को थ्रोट कर रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और जो इसमें एक ब्लेड है वो है मेन ब्लेड जिससे कि आप जूस शेक प्यूरी लस्सी कुछ भी बना सकते हो। और दोस्तों अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है फिलिप्स इंडिया की तरफ से 2 साल का डोमेस्टिक वारंटी। और इसका जो मटेरियल है वो पूरा रस्ट प्रूफ मटेरियल है, और नीचे का बॉटम का पोर्शन पूरा स्टेनलेस स्टील का, और ऊपर का जो पोर्शन है वो है बेसिकली आपका प्लास्टिक का। तो दोस्तों ये थी पूरी स्पेसिफिकेशन। हैंड ब्लेंडर है वो काफ़ी ईजी है पकड़ने में। ये देखो यहाँ पे कंफर्टेबल फील भी होता है इसे यहाँ पे पकड़ने में। और ये जो इसका ये जो स्विच है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बस सिंगल स्विच है। यहाँ पे आप बस इसे प्रेस करोगे और ये ब्लेंडर काम करना स्टार्ट कर देगा। फिलिप्स है नीदरलैंड की कंपनी है, बट ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है। तो देखो यार वायर की लेंथ कुछ इस तरह की है, ये वायर 1.2 मीटर की होगी आई थिंक अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा लंबी वायर नहीं है बट ठीक है ओके है, काम चला जाएगा। और ये जो वायर की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ये देखो मेड इन इंडिया है, यहाँ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। और ये इसकी स्टैंड है और इसके साथ कुछ स्क्रू है, आप इसे टाइट करके कहीं भी अटैच करके फिक्स कर सकते हो। तो इसके साथ स्क्रू भी दिया गया है, तो चलो मैं इसे यहाँ पे साइड कर देता हूँ। आप इसमें ब्लेड रख सकते हो, आपका जो ब्लेड है आप इसमें यहाँ पे रख सकते हो ताकि ये इधर उधर ना हो। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 20 मिनट ब्लेंडिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड डिशेस, इसका मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि यार ये 20 मिनट तक कंटिन्यू चलाओ, ऐसा करने से इसकी जो मोटर की जो हेल्थ है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप 1 मिनट के लिए इसे ब्लेंड करो, उसके बाद फिर कुछ देर वेट कर लो, 30 सेकंड या 1 मिनट के लगभग में आप वेट करो, उसके बाद फिर आप इसे स्टार्ट करो। तो इस तरह कर करके आप अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट तक यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली इसका जो कहने का मतलब आप 10 मिनट तक इसे ईजिली ब्लेंड कर सकते हो। चलो मैं इसे अभी पावर सप्लाई में लगाता हूँ और लगा के फिर इसे चेक करता हूँ कि ये एक्चुअली कैसा लगता है इसे चलाने के बाद, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे हाथ में कंफर्टेबली एडजस्ट भी कर लिया है। और ये इसका जो पावर बटन है मैं इसे यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये कटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं इसे पावर सप्लाई यहाँ पे ऑन करके इसे चेक करूँगा कि एक्चुअली ये किस तरह वर्क करता है, और ये कितना हीट होता है, ऊपर वाला पोर्सन हीट होता है कि नहीं होता है ये भी चेक करूँगा, और ये कितना नॉइजी है, कितना आवाज़ करता है, ये भी चीज़ आप देखना अभी मैं गौर करना। चलो मैं इसे यहाँ पे ये प्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यार ये जो इसका कटर है कितना स्पीड से घूम रहा है। एक्चुअली ये जो कटर की स्पीड है ना वो 18,000 RPM की है, नो लोड में अगर आप इसे चलाओगे तो 18,000 RPM तक का ये स्पीड देता है, और लोड के साथ में अगर आप इसे चलाओगे तो 10,000 RPM का स्पीड देता है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट है, ये मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा। इसकी जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 1600 की है, तो आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने इसे अमेजन से परचेज किया था। चलो अब इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 मौसमी, और जिसका कि मैं अभी यहाँ पे जूस बनाऊंगा इस ब्लेंडर से, देखता हूँ कि ये कितना एफिशिएंट काम करता है और कितनी जल्दी ये मेरा जूस को रेडी कर देता है। तो चलो मैं इसमें सबसे पहले थोड़ा सा वाटर मिक्स कर देता हूँ, उसके बाद ब्लेंड करूंगा इसे। मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लिया, चलो अब इसे मैं ब्लेंड करके देखता हूँ। तो मैं इसे कंफर्टेबली पहले हाथ में एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे इसे सिंपली रखो और इसे यहाँ पावर बटन को जो है प्रेस करो, और फिर देखो ये कितने जल्दी काम करता है। बट मेक श्योर इसे पहले पकड़ लेना, हो सकता है कि ये तेज भागे। तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये काफ़ी जल्दी इसे ब्लेंड कर रहा है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, सिंपली पावर बटन को प्रेस करके बस इसे यहाँ पे रख दिया हूँ, वो अपने आप काम कर रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये न्यू है तो मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि उतना यूज़ करने परफेक्टली नहीं आता है, बट ये अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि मैं जो पुराना वाला ब्लेंडर यूज़ करता था वो भी कुछ इसी तरह का था, बट उससे मुझे ये ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। और इसकी आवाज़ की बात करूँ तो ज़्यादा ये आवाज़ भी, इसका आवाज़ जो है बहुत कम है, उतना ज़्यादा आवाज़ सुनने को नहीं मिल रहा है। और ये देखो ये ब्लेंड भी कर दिया है, ये पूरा पूरी मेरा जो जूस है रेडी हो गया है, और इसे मैं छान के अच्छे से रेडी कर सकता हूँ। तो
ये काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा जो जूस है पूरा रेडी कर दिया है। मैं इसे फिर से एक बार ब्लेंड करता हूँ, देखता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने कि अभी ब्लेंड किया, तो मैं अगर यहाँ पे टच करूँगा तो मुझे थोड़ा सा हीट फील हो रहा है कि ये थोड़ा गर्म है, बट ऊपर के पोर्शन में कुछ ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है और कुछ ऐसा देखने को भी नहीं मिल रहा है कि ये पोर्शन ज़्यादा हीटेड है। बट ये पोर्शन हल्का हीट है, उतना भी ज़्यादा हीट नहीं है, क्योंकि मैं इसे रोक रोक के चला रहा था और ये काफ़ी अच्छा ब्लेंड किया, बहुत जल्दी इसे ब्लेंड कर दिया। और ये तो खैर मौसमी था, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है ब्लेंड होने में, बट अगर आप किसी चीज़ का जूस बना रहे हो जैसे मैंगो वगैरह का या फिर लस्सी बना रहे हो, तो ये काफ़ी कम टाइम में इसे ब्लेंड कर देगा। अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है 1 मिनट काफ़ी होगा ब्लेंड करने के लिए। तो ये काफ़ी एफिशिएंट प्रोडक्ट है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो बाय करके आप भी घर पर यूज़ करो, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैंने इसे इसकी सारी जो चीज़ें आपको बता दी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और उन लोगों को भी शेयर कर दो जो कि हैंड ब्लेंडर लेना चाहते हैं।